अच्छा सर, ये सब थे वहीं पे। ठीक है, मैं था। क्या बोला था आपने? गाली बता दीजिए ना सर को, क्या दी थी? यही कह रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे को बुलाया है। अब नहीं सर, अब मैंने आप अगर सर पहले आ जाते तो हम आपकी शक्ल पे मैनेज कर लेते। अब यहाँ पे हम लोग से पहले फीस जमा करवाई गई, फिर जिनकी फीस नहीं जमा थी उनको धक्का देके बाहर भगा दिया गया। क्लास में नहीं बैठोगे जब तक पूरी फीस जमा नहीं करोगे। सबकी फीस जमा हो गई, फिर इसके बाद इनका नाटक शुरू। आज क्लास नहीं, कल क्लास नहीं, परसों क्लास नहीं होती है। सर मामला ये है कि हम लोग यहाँ पे 65 से 70 बच्चा है यहाँ पे। ऑनलाइन हम लोग देख के यूट्यूब पे पंकज कुशवाहा नाम से चैनल है, उसको देख के यहाँ पे आए थे हम लोग मोबाइल का रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर का कोर्स करने के लिए। 45 दिनों का कोर्स था। अब यहाँ पे हम लोग से पहले फीस जमा करवाई गई, फिर जिनकी फीस नहीं जमा थी उनको धक्का देके बाहर भगा दिया गया। क्लास में नहीं बैठोगे जब तक पूरी फीस जमा नहीं करोगे। सबकी फीस जमा हो गई, फिर इसके बाद इनका नाटक शुरू। आज क्लास नहीं, कल क्लास नहीं, परसों क्लास नहीं होती है। और बस अब आपकी क्लास कंप्लीट होने वाली है, आप लोग जाएं यहां से। हम लोग को अभी आता कुछ नहीं है और ये लोग फीस जमा कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब लाइट कट गई है, 14 दिन से हम लोग अंधेरे में रहते हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल उठाता है उसको मारने की धमकी देते हैं। 3-4 बच्चों को तो ये जबरदस्ती जबरन उसके सामान वामान पैक करके और कानपुर स्टेशन पे छोड़ आए हैं। और हम लोग डरते हैं कि जो भी कुछ बोलता है तो ये लोग मारने की धमकी देते हैं। इसके लिए हमको रूम पे जाने के भी डर लग रहा है। किस नाम से कोचिंग है आपकी? ये फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर, पंकज कुशवाहा के नाम से यूट्यूब चैनल है इनका। हम लोग अभी 15 दिन हुए हैं, 15 तारीख से हम लोगों ने ज्वाइनिंग की थी और अभी तक 5-6 दिन छुट्टी करवा दी। 30,000 पर हेड, पर हेड। ये 45 दिन की थी, जिसमें रहना खाना उसी में था। ये देखिए इसकी रसीद है, तीनों स्लिप है। टीचर से बात होती नहीं सर। सर वो उसके दो स्टाफ हैं, वो बोलते हैं बस दो ही स्टाफ हैं, वही बात करने आते हैं। गाली देने मारने की मतलब गाली कुछ दे बोलो रहे करके। तो बोले हैं कि आ रहे हैं उनको अभी आ रहे हैं। ग्रुप में कुछ बोलो तो रिमूव कर दे रहे। ये क्या आदत है? हम लोग बस यही चाहते हैं हम लोग की फीस वापस। ये रावतपुर थाना में खड़े हैं सर, यूपी में। और हम लोग बस ये चाहते हैं हम लोग की फीस वापस हो जाए और घर चले जाए। पूरी इंडिया का बच्चा है यहाँ पे, हम लोग एक एक कोने से हर जगह से। थाने पे एप्लीकेशन दी है, बात हो रही है। अब आगे बस यही चाहते हैं हम लोग की फीस वापस हो जाए, हम लोग घर चले जाएं। 15 दिन में हम लोग को क्लास नहीं करना है। अब हम लोग क्लास नहीं करेंगे। कहाँ से हम लोग पैसे लेके आए हैं ये हम ही लोग जानते हैं।